छोड़ दिया था, अब वापस उन्होंने बुलाया तो मैंने स्टार्ट कर दिया, एक्टिंग भी कर रही हूँ। पांच फिल्मों का है तो हम लोग भी पार्ट है, पर वो बाद में पता चलेगा। और मैम आपने इससे पहले, मुझे लग रहा है कि आपने कम जो है एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट काम किया है, आपने आइटम नंबर ज़्यादा किया, तो आगे क्या प्लान है कि आइटम नंबर में ही आप चलेंगे या? देखिए आपको शायद इतना आइडिया नहीं है बट मैं इंडस्ट्री की फिलहाल नंबर वन आइटम डांसर हूँ और मैंने 300 फिल्में कर लिया है और मैक्सिमम मैंने लीड भी किया है, मेरे 10 फिल्में इस साल रिलीज हो जाएगी। तो मैं सिर्फ कैरेक्टर नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके जो काम मिले घर चलना चाहिए। जिसमें मैंने हीरोइन का कैरेक्टर किया है, अपनापन उसमें सेकंड लीड है मेरा, और चांदनी जिसमें मैंने डीएसपी का कैरेक्टर किया है, ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं। आप हर फिल्म में हर किरदार में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप ऑडियंस से रिक्वेस्ट है प्लीज जाइए और देखिए। सी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास चॉइस नहीं होता आर्टिस्ट के पास, हम आर्टिस्ट के पास वो बॉलीवुड में होता हुआ कि हमारे पास चॉइस है कि हम मेहनत कर रहे हैं ये करें, नहीं, वी डोंट हैव द चॉइस, इट्स जस्ट कि काम आ रहा है, वी अप्रिशिएट, वी डू वर्क, दैट्स इट। दिख रहा कोरोना के बाद इंडस्ट्री की तो बाकी छोड़ दो, ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ ही नहीं। और मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन जितने लोगों से पूछेंगे सबका अपना एक परसेप्शन जाएगा, तो ये पूछ के कोई मतलब नहीं है, चेंज होगा लोगों को पता चल जाएगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।